नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और। कथनी और करनी में फर्क होना, इस जैसे हिंदी के मुहावरे आपने अक्सर पढ़े होंगे और राजनेताओं को इन पर अमल करते हुए भी देखा होगा। इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत में भी यही हो रहा है और कटघरे में खड़ी है शिवसेना। आरे में पेड़ कटाई के मुद्दे को लेकर शिवसेना बोल कुछ और रही है और कर कुछ और रही है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल मुंबई में इस वक्त एक साथ 6 मेट्रो लाइंस बनाने का काम चल रहा है और इनमें से जो सबसे बड़ी मेट्रो लाइन है वो है लाइन नंबर 3, जो कि पश्चिमी उपनगर सीप से लेकर दक्षिण मुंबई के कुलाबा तक जाएगी। ये लाइन 34 किलोमीटर लंबी है और पूरी तरह से अंडरग्राउंड है। अब इतनी बड़ी मेट्रो लाइन बनाने के लिए एक बड़ा डिपो बनाया जाना था और इस डिपो के लिए सरकार ने जगह दी मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को, हरियाली वाले इलाके में, आरे में। आरे संजय गांधी नेशनल पार्क से सटा हुआ एक इलाका है और एक तरह से इसे जंगल ही कहेंगे, हालांकि तकनीकी तौर पर इसे जंगल नहीं माना जाता है, लेकिन ये संजय गांधी नेशनल पार्क से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। और इसी हरियाली वाले इलाके में मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन मेट्रो लाइन 3 के लिए एक कारशेड बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसके लिए काटे जाने थे 2600 पेड़, जिसका कि विरोध वहां के स्थानीय आदिवासी पर्यावरण प्रेमी संगठन कर रहे थे। और इसी के साथ इस विरोध में कूद पड़ी राजनीतिक पार्टी शिवसेना। इस मामले में खास दिलचस्पी ले रहे थे शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य। आदित्य बीते साल भर से आरे के जंगल को बचाने के लिए मुहिम चला रहे थे और शिवसेना की ओर से यह कहा गया कि किसी भी हालत में आरे में पेड़ों की कटाई नहीं होने देंगे मेट्रो के कारशेड को लेकर। एक और शिवसेना का विरोध जहां बयानबाजी तक ही सीमित था, तो वहीं दूसरी ओर कुछ पर्यावरण प्रेमियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई, जिनमें की अपील की गई कि आरे के पूरे इलाके को एक जंगल घोषित किया जाए और मेट्रो कारशेड के लिए पेड़ों को काटने से रोका जाए। इस मामले में शुक्रवार के दिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस तरह से आरे में पेड़ों को कटने का रास्ता साफ हो गया। उसी शाम नरीमन पॉइंट में सीएम देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे आपस में हाथ मिला रहे थे। उस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कि दोनों के गठबंधन होने के बाद पहली बार सीटों के बंटवारे के बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन उसी वक्त आरे में एमएमआरसीएल ने पेड़ों की कटाई शुरू कर दी थी। जैसे ही पेड़ों की कटाई की खबर पर्यावरण प्रेमियों तक पहुंची तो उन्होंने आरे में आकर इकट्ठा होना शुरू कर दिया और सरकार के खिलाफ वे प्रदर्शन करने लगे। लेकिन इस बीच वहां बड़े पैमाने पर पुलिस मंगा ली गई। 100 के आसपास प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया और उनमें से 29 को गिरफ्तार कर लिया गया। विरोध करने के लिए वहां पर कुछ शिवसैनिक भी पहुंचे। शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी भी पहुंची, लेकिन वहां पर पुलिस ने उन्हें विरोध के लिए ज्यादा मौका नहीं दिया और इन छिटपुट शिवसैनिकों को पकड़कर तुरंत वहां से हटा दिया गया। शिवसेना को लंबे वक्त से जानने वालों का मानना है कि इस मामले में शिवसेना ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई और शिवसेना को जिस आक्रामकता के साथ इस मुद्दे को उठाना था वो नहीं उठा सकी। जो लोग पुरानी शिवसेना को जानते हैं उनका कहना है कि ये वो बाल ठाकरे वाली शिवसेना नहीं रह गई है, जब बाल ठाकरे के किसी मुद्दे को लेकर बंद का ऐलान करने के बाद मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। हालांकि शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य की तरफ से इस मामले को लेकर कैमरे पर बयान जरूर आए और ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट जरूर किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी ही सरकार आने वाली है और पेड़ काटने के लिए जिम्मेदार अफसरों को वो देख लेंगे। वहीं आदित्य ठाकरे ने भी कहा कि जिन अफसरों ने पेड़ काटा है उन्हें पाक अधिकृत कश्मीर में भेज दिया जाना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ बयान ही थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस मामले को लेकर शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, लेकिन शिवसेना के सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले इस मामले को लेकर कुछ लॉ स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और उनकी अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष बेंच बनाई। इस विशेष बेंच ने अपनी पहली सुनवाई में ही महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों लिया और आरे में पेड़ों की कटाई पर तुरंत रोक लगा दी। लेकिन पर्यावरण प्रेमियों के लिए ये एक तरह से जीत कर हारी हुई जंग थी, क्योंकि जितने पेड़ काटे जाने थे वे कट चुके थे। 2600 में से करीब 2000 के आसपास पेड़ 2 दिनों के भीतर काट दिए गए थे।
इस मामले में सवालों के घेरे में है शिवसेना। शिवसेना से यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर उसने उस बीजेपी के साथ गठबंधन क्यों कर लिया जिसकी की सरकार ने इन पेड़ों को काटने का आदेश दिया है। क्या उसे आरे के इन पेड़ों से ज्यादा ये गठबंधन प्यारा है जिसकी मदद से वो फिर से एक बार सत्ता में आने की उम्मीद देख रही है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।